एवरीवन, वेलकम बैक टू पुनीत व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? हम सब बहुत अच्छे हैं गाइस। आप लोगों को दिख रहा होगा हम सारे। हाँ, गोदी लो, अभी ले लियो। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मैक्रोनी, क्योंकि हम लोग प्रेरणा के घर पे आ गए। बहुत लंबी स्टोरी है, प्रेरणा आज नहीं है, उसके घर को हम संभाल रहे हैं और हम इस तरीके से संभाल रहे हैं कुछ। गोदी लो, चलो गाइस आप इन लोगों से मिले, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। तो गाइस उसमें किचन में, उसमें सिल्क में, तो गाइस वो पहले धो ले इसको। तो गाइस मैंने काट दी प्याज टमाटर और बाकी तेल गरम होने को छोड़ गया, बाकी मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई। अब ये और मैं मिलके दोनों बनाएंगे मैक्रोनी, पता नहीं कैसे बनेगी, पहली बार बनाऊंगा मैं मैक्रोनी। गाइस यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं और ये वीडियो बनाने की एक्टिंग कर रही है और ये वीडियो में दिखा रही है कि मैं ही बना रही मैक्रोनी और मैक्रोनी खाली बना रहा हूँ मैं। अकेला चल, हाँ अकेला ही। तू कौन सा बना रही है बता, तूने इसके अंदर चल बता दे क्या करा। बस मैं चला रही हूं, देखो चला लियो मैं बच। ये उबाल ली मैंने, ये देखो ये उबाला मैंने। हां जी, हां गैस ने उबाला है। अब चलिए बताओ पानी डलेगा नहीं डलेगा इसमें? नहीं पानी नहीं डलेगा। पानी डलेगा इसमें, हम डालेंगे। पानी नहीं डलता, हम मैगी में डलता है बनने के लिए। हम डालेंगे लेकिन इसमें पानी आ। तो गाइस फाइनली यम्मी सी मैक्रोनी मैंने बनाई है, मैंने खुद बनाई है, फर्स्ट टाइम मैंने मैक्रोनी बनाई है। वैसे तो मैं वो बना लेता हूँ मैगी वगैरह, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। देख रहे हो फ्रिज, तो मैक्रोनी बनी है, तो इनको पहले टेस्ट करवाते हैं फिर देखते हैं। वैसे तो यार मेरे को इतना भरोसा है कि अच्छी ही बनी होगी, ये अपनी वीडियोज़ बना दी। चेक करके बता, पहले चेक करके बता कैसी बनी है। ओ देख प्लेट तेरी इससे साड़ी से मैच हो रही है, देख रही है मैजिक। अब अच्छी है, पहले भी अच्छी थी। तो अच्छी थी बस नमक कम था। मुझे तो भूख लग रही है, जैसे भी मैं खा लूंगी, पर तू तो अच्छी बना दे मुझे पता है। वो तो पता, मैं अच्छी बनाता हूँ, मैंने बनाया है। अरे हाँ, और इसके साथ शेक पियेंगे तो जल्दी आ जाओ। मैंने अपनी प्लेट डाल ली, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। कितने देर में आ रहे हो? जल्दी आ जाओ फिर, ठीक है? रुक जा रुक जा, दोबारा बोल। क्या? दोबारा बोल जो तू। मैं हो चुकी हूँ अपने काम से फ्री और अब हम खाएंगे मैक्रोनी विद मेघा और अंजनी के साथ। गाइस ये मुझे इतने अच्छे लगती हैं, मेरे को भी इज्जत अच्छी लगती है गाइस। क्या बचाओ, बहुत पसंद है। और ये साथ में हमारा ओरियो शेक। माँ होगी ना बाहर? नहीं है, अच्छा यहाँ होगी। वो रही तेरे पीछे अंधी, अंधी तेरे पीछे, अंधी अंधी तेरे पीछे अंधी। हाँ और बहुत और 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 बाय 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 बाय। निशी बाहर गई हुई थी। ना 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 ना, अब मत बोल बहन, जल्दी आ आजा। मम्मी गई, देख पहले उसे गोदी में। पापा आपके लिए फ्रूट चाट लेके आ रहे हैं। अभी रुक जाओ, बहन जल्दी आजा। देख ये देख, ये देख सोफे पे, देख क्या कर रखा है ये सोफे पे, यहाँ क्या कर रखा है। और किचन देख ले पहले, तो सबसे पहले डांट भी जाके देख, किचन देख पूरा। अबे हाँ नहीं, वो पहले ही सुबह से अच्छा गंदा है, तो बस मैंने समझाया है इसको, मैंने कहा कुछ मत कहियो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो गाइस सुबह सुबह हम उठे थे, मतलब ना जल्दी उठ गया था मैं, 12 बज रहे अभी, और हमारे घर में सुबह सुबह कोई टपक गया है। टपकने का मतलब होता है ऊपर पहुंच गया, तो घर में भी तो टपकना होता है किसी का। तो गाइस ये सुबह सुबह आ गई क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है 2-4 दिन से, इस वजह से मम्मी से मिलने आ गई। और अभी आई है, 11 बजे आई थी और अभी चली भी जाएगी। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है घर में, और नीचे सबसे बड़े ताऊ जी है, उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो मैम सब मिलने आई है और मम्मी ने चाय बनाई और मैं लाऊँ छोले भटूरे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह नाश्ता पानी करके नहीं यही खाऊँगी। बता कुछ खा के तो आ रही है, हमारे लिए लेके आई थी सुबह सुबह, उठाया तो ना खाना था। तो गाइज अभी छोले भटूरे खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग तो मैं बोल रहा हूँ, बाल देखना ख़राब हो रहे, बड़े हो रहे ना क्योंकि, और ये पीछे देख रहे हो अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब अभी हुई है रात और मैं भी नहा धो के हुआ कहीं यार, और टाइम देखो कितना हो रहा है,
रात के मतलब 2:35 अराउंड हो रहा है, 40 हो गया समझ लो, और रात को अंधेरा दिखाता हूँ। ऑल ब्लैक, अंधेरा हो रहा है गाइस पूरा, कोई नहीं है कोई भी, और मैंने मम्मी को भी निराने भेज दिया। और इतनी रात को हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने मम्मी का पागल बना दिया सुबह सुबह, मैंने कहा मम्मी जल्दी उठो कोई जाना है, फटाफट से फटाफट तैयार हो जाओ कोई जाना है। मम्मी कह रही क्यों इतनी रात को, मैंने कहा 5 बज गए हैं जल्दी उठो। और अभी मैं नहा धो लिया फटाफट से, अभी मैं देखता हूँ मम्मी को कहाँ ले जाता हूँ, ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा कहाँ है। तो गाइस मम्मी कह रही मैं जोत बिना जलाए कहीं नहीं जाऊँगी, मम्मी कह रही पहले जोत जला दो उसके बाद निकलेंगे घर से, पूजा कर लेते हैं घर में पहले उसके बाद जाएंगे ढाबी जाने। तो पहले घर में पूजा कर ली, मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही है, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कल दवाई भी लेकर आई है मम्मी, बाकी आप भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह, फिर मिलते हैं जहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग कालका मंदिर पहुँच गए हैं, और मैंने मम्मी आप सच्चाई बताइए कि हम लोग कालका मंदिर आए कितने बजे आए, मैंने मम्मी को टाइम बताया 3:34 हो गए हैं, 3:30 बज रहे हैं, और मम्मी कह रही हैं, मैंने कहा मम्मी 5-6 बज रहे हैं जल्दी चलो, मम्मी कह रही अच्छा, मम्मी कह रही अभी तक रोशनी क्यों नहीं हुई है। गाइस कल ना मम्मी और मेरी लड़ाई हो गई थी इसी बात से, हमको ना कल आना था कालका मंदिर, लेकिन कल आँख नहीं खुल पाई, 10 बजे आँख खुली तो कैसे आते, फिर कालका मंदिर में तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो मम्मी मेरी साथ कल लड़ाई हुई थी, मैंने कहा मम्मी चलो, मम्मी कहती नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं चल रही कहीं भी, क्यों ये है ना आज खेच के। और गाइस इस वक्त ना इतने अच्छे दर्शन होते हैं ना, क्या ओ भाई लाइन लग रही है क्या, आज कैसे लाइन मिल गई, दशहरा आज दशहरा, लेकिन अरे तो लेकिन इतनी लंबी लाइन नहीं होती, मैं तो आज ही देख रहा हूँ गाइस, देख रहे हो अभी भी लाइन है, मतलब 5 मिनट की बुझकी 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 गाइस आज ना कुछ है दसवीं उसमें इस वजह से हाय इस वजह से थोड़ा बहुत रश है, बाकी खाली पड़ा, मम्मी तो आगे चली गई भाई, मम्मी देख रहा हूँ। गाइस सुबह के 4:30 बज रहे हैं, अब आज आरती लेट स्टार्ट हुई है 4:30 बजे। तो गाइस हम आ गए थे घर, और बाल देख रहे हो यार कैसे हुए, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, सोते हैं पहले सोने। मैंने चाय बनाई है और टाइम हो रहा है 5:30, चाय पियेंगे उसके बाद सोएंगे, पापा भी उठे पड़े हैं, पापा कह रहे तुम लोग 6 बजे करे भी गए हो, मैं उठा था, मैंने कहा उठे थे उस टाइम नहीं देखा क्या, 3 बजे से थे। गाइस मम्मी की तबीयत खराब हो रही, मम्मी कह रही चाय पिला दे यार, मैंने सुबह सुबह बनाई चाय, मतलब बनाता रहता हूँ मैं चाय, और चाय के साथ मैं लाया हूँ रस और केक रस, तो फटाफट चाय पीते फिर मिलेंगे चाय पीने के बाद, चाय यहाँ करिए हमारी। तो चलो गाइस दर्शन वर्शन हो गए हैं और चाय वाय पी लिए, बाल यार पता नहीं कैसे हो गए इधर को, और मम्मी की गाइस तबीयत ख़राब हो रही, मम्मी को इस वजह से कालका मंदिर लेके गया था, मम्मी के पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इस वजह से मम्मी दवाई भी लाई है, अब मम्मी सो रही है, मम्मी को कह रही इतनी जल्दी कौन उठता है। मम्मी कितने बजे उठे थे आप, 2 बजे। मम्मी कह रही 6:30 बजे उठी, मुझे ऐसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, ठंड लगी बहुत, ठंड छोड़ो वैसे मंदिर में मज़ा आया नहीं आया, कैसा लगा। मम्मी फर्स्ट टाइम गई है इतने बजे, बाकी मैं तो जाता ही रहता हूँ इतने टाइम पे, कि आरती वाले टाइम पे बहुत बार ही होता हूँ मैं तो, आरती वाले टाइम पे मतलब 4 बजे, पहले 4 बजे होती थी, अब 4:30 बजे हो गई, होने स्टार्ट हो गई, और दर्शन करके भाई ना आरती वाले टाइम पे मतलब
जो वाइब्स आती है ना अलग ही आती है। आप लोग भी कभी जाना, ट्राई करना। और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का कर देगा गाइस यहीं पे एंड। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो साले ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। जमा दादी।